मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जंगल कौड़िया में निर्माणाधीन महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय व स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय व स्टेडियम का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक शीघ्रता से पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महाविद्यालय के सभी कमरों और छात्रावास के निर्माण कार्य का जायजा लिया। गौरतलब है कि यहां पर डिग्री कॉलेज के मुख्य भवन के साथ 90 छात्रों की क्षमता का बालक और 60 की क्षमता का बालिका छात्रावास ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छात्रावास में हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि वे हर सप्ताह यहाँ चल रहे कार्यों का निरीक्षण करें और सभी कार्यों को शीघ्रता से पूरा कराएं, जिससे इसी सत्र से ही महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो सके, ताकि क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा का एक नया मंच मिल सके। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि 30,34,00,000 रुपए की लागत से बन रहे महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। इसके साथ ही 10,16,00,000 रुपए की लागत से बन रहे महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्टेडियम में 250 लोगों की क्षमता का पवेलियन भी बन रहा है, साथ ही सिंथेटिक रनिंग ट्रैक कुश्ती ग्राउंड का भी निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित उच्च शिक्षा अधिकारी AK मिश्रा, क्षेत्रीय क्रीड़ा अरुणेन्द्र पांडे व संबंधित उपस्थित मौजूद रहे।